नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली के हाईटेक जेल तिहाड़ जेल में सजा काट रहे एक कुख्यात सीरियल किलर सलीम के इशारे पर नकली नोट छापे जा रहे थे। जाली नोटों की बिक्री से मिलने वाले रुपयों में सलीम का भी हिस्सा होता था। ये दावा तालकटोरा पुलिस की गिरफ्तार में आया एक गैंगस्टर फरहान खान ने किया। वो जनवरी से फरार चल रहा था। इंस्पेक्टर तालकटोरा राजेश कुमार के मुताबिक 11 जनवरी को आलमनगर पुल के पास जीआरपी सिपाही राहुल सरोज, हसनगंज निवासी सलमान और बिहार का रहने वाला मुबस्सिर मोहम्मद अरबाज और शावेज खान जैसे बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी लोग 500 से 50 रुपए तक के जाली नोट छापने और उसे बाजार में चलाने के आरोप में पकड़े गए थे। पूछताछ में आरोपियों ने गिरोह से जुड़े सदस्यों के नाम बताए, जिनमें मूलतः सीतापुर का रहने वाला फरहान खान भी शामिल था। आरोपी के मुताबिक 11 जनवरी को पुलिस की छापेमारी के दौरान वो फरार हो गया था और पिछले काफी लंबे समय से वो बिहार में अपनी पहचान छिपा कर रह रहा था, लेकिन पैसे खत्म होने की वजह से उसे लखनऊ आना पड़ा। फरहान के मुताबिक वो मुख्य रूप से तिहाड़ जेल में बंद सलीम, उसके भाई रुस्तम और सोहराब गैंग से जुड़ा हुआ है और उनके इशारे पर जमीन कब्जाने से लेकर फिरौती वसूलने तक का काम लंबे समय से कर रहा था। इसी बीच सलीम से मुलाकात होने के बाद उसने नकली नोट छापने के लिए कहा। उसी के जरिए सलमान और अन्य लोगों से उसकी पहचान हुई। आका सलीम के इशारे पर ही फरहान ने सलमान को किराए पर कमरा दिलवाया, जहां से नकली नोट छापने का काम किया जाता था। जीआरपी सिपाही राहुल के जरिए नोटों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता। सिपाही के वर्दी में होने की वजह से पकड़े जाने का खतरा ना के बराबर होता था। ADCP पश्चिम CM सिन्हा ने बताया कि आरोपित असली नोट को स्कैन कर उसकी पहले कॉपी तैयार करते थे। इसके लिए जमील ने मुजफ्फरनगर जिले से L शेप की एक स्केल भी सलमान को मुहैया कराई थी, जो स्कैनिंग में इस्तेमाल की जाती थी। नोट को स्कैन कर उसकी प्रिंट की जाती थी, इसके बाद से काट कर नोट का रूप दिया जाता था। ADCP ने बताया कि जाली नोट के लिए आरोपित 85 CSL मोटाई वाला A4 शीट का प्रयोग करते थे। इस पेपर की मोटाई असली नोट के बराबर होती है। वहीं जाली नोट में सुरक्षा धागे की जगह ग्रीन ग्लिटर टेप या ग्लिटर ग्लू का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह आरोपित जाली नोट की एक लंबी खेप तैयार करते थे। फिलहाल ये सभी अब पुलिस की गिरफ्त में है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।